आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम एनालॉजी का टफ 25 करेंगे और मुझको बताना तुमको ये 25 क्वेश्चन में से कितना आएगा, आपको कमेंट करना। चलिए शुरू करते हैं। देखो गुड बैड रूप का क्या होगा, देखो ये क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, तो इसका क्या होगा, रूप का क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर फ्लोर आ जाएगा क्योंकि इसका अपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैन का होता है बायोग्राफी, नेशन का क्या होता है, देखो ये क्या होता है, ये इसका स्टोरी होता है, तो ये किसका स्टोरी है, ये हिस्ट्री का स्टोरी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉग विजिबिलिटी, तो एड्स का क्या होगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस इसका आंसर आ जाएगा, इसको कंपेयर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोर्कोपाइन रोडेंट माइल्ड्यू, इसका आंसर क्या आ जाएगा, पोर्कोपाइन रोडेंट ये क्या होता है, एक रोडेंट होता है। उसी तरह मिल्ड्यू क्या होता है, ये एक फंगस होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीडिंग नॉलेज वर्क, इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो रीडिंग से क्या आएगा, नॉलेज आएगा, तो वर्क से हमारा क्या आ जाएगा, एक्सपीरियंस आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइट पीस यानी वाइट का सिंबल क्या होता है, पीस होता है, उसी तरह रेड का क्या होता है, क्या होता है, वायलेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उठा हुआ इसको रिलेट करता है कनाडा, तो कानबेरा क्या होगा, देखो कनाडा, कनाडा का कैपिटल क्या होता है, उठा हुआ होता है, उसी तरह कानबेरा का, कानबेरा किसका कैपिटल है, किसका कैपिटल है, ऑस्ट्रेलिया का, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विक्ट्री का होता है एनकरेजमेंट, विक्ट्री जब होता है हमको एनकरेजमेंट देता है, तो फेल्यूर का हमारा क्या होगा, क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन देता है, फेल्यूर हमको फ्रस्ट्रेशन देता है। नेक्स्ट देखते हैं, इग्लू आइस, इग्लू किससे बनता है, आइस से बनता है, उसी तरह मार्क्यू हमारा किससे बनता है, कैनवस से बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। डिलेटोरी एक्सपीडिटियस डायरेक्ट को क्या होगा, देखो ये क्या होता है, इसका एंटोनिम होता है, तो डायरेक्ट का हमारा एंटोनिम क्या आ जाएगा, सर्कमलोकेटरी इसका आंसर आ जाएगा। वो कॉनिंग फॉक्स से है, तो टिमिड का क्या होगा, देखो फॉक्स एक कॉनिंग एनिमल है, तो इनमें से कौन सा टिमिड एनिमल है, कौन सा है, आस एक टिमिड एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रीट का लेन होता है, तो रोड क्या होगा, आंसर बताओ, देखो ये जो होता है, देखो ये जो स्ट्रीट का क्या होता है, स्मॉलर फॉर्म होता है, वैसे ही रोड का स्मॉलर फॉर्म क्या होता है, देखो एवेन्यू होता है, ये याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेयर वर्ल्ड, तो क्रॉप का क्या होगा, देखो वर्ल्ड हम किसको कहते हैं, जो जिसका बाल नहीं होता है उसको हम वर्ल्ड कहते हैं, उसी तरह ए लैंड विदाउट क्रॉप इज कॉल्ड ए, क्या कहते हैं उसको, बैरन कहते हैं, जिसका विदाउट क्रॉप, जो जिसका हम क्या करते हैं, जिस लैंड में हम क्रॉप नहीं करते उसको क्या कहते हैं, बैरन कहते हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाउंडेशन एडिफाइस, तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होगा, फाउंडेशन का एडिफाइस होता है, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होगा, नेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन ये कैसे जुड़ा है, टैक्सोनॉमी हम किसको कहते हैं, जो साइंस के डीलिंग करता है क्लासिफिकेशन के साथ, उसी तरह
पेडोलॉजी किसके साथ सिमिलर होता है? स्टडी ऑफ सॉयल्स के साथ होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोनोटोनी वेराइटी होता है तो क्रूडनेस क्या होगा? तो से वो दोनों क्या है? दोनों का एंटोनिम है। तो इसका एंटोनिम क्या आ जाएगा? रिफाइनमेंट इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका एंटोनिम है। नेक्स्ट देखते हैं आवर सेकेंड। देखो हम टाइम को किसे मेजर करते हैं? सेकेंड, मिनट और आवर। वैसे ही सेकेंड हमारा क्या है? फर्स्ट स्टेज है। उसी तरह आवर हमारा थर्ड स्टेज है। उसी तरह टर्शियरी हमारा थर्ड स्टेज है। तो टर्शियरी का फर्स्ट स्टेज हमारा क्या है? प्राइमरी है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उसका सेकेंड, मिनट, आवर होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पेंटिंग होता है हमारा आर्टिस्ट तो सिंफोनी हमारा क्या होगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा, कंपोजर। नेक्स्ट देखते हैं पोंगी सिल्क होता है तो सैलट हमारा क्या होगा? पोंगी सिल्क होता है, ये क्या होता है? ये इसका सिल्क का एक टाइप होता है पोंगी। उसी तरह किसका पार्ट होता है? सैलट। किसका पार्ट होता है? बोट का पार्ट होता है सैलट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉन होता है पोंगी सिल्क। देखो ये जो पोंगी होता है ये सिल्क का एक पार्ट होता है। उसी तरह सैलट किसका पार्ट होता है? ये बोट का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉन होता है डस्क, ये इसका एक वन होता है, ये इसको फॉलो करता है। उसी तरह इनॉग्रेशन किसको फॉलो करता है? वाले डिक्सन को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक्टोनिक्स बिल्डिंग टैक्सीडर्मी, इसका आंसर क्या आएगा? कमेंट कर दो। देखो बिल्डिंग, बिल्डिंग का जब आप डीलिंग करेंगे साइंस से, इसको क्या कहते हैं? टेक्टोनिक्स कहते हैं। उसी तरह किसको हम टैक्सीडर्मी कहते हैं? किसको कहते हैं? साइंस के स्टॉपिंग को क्या कहते हैं? टैक्सीडर्मी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। साउथ होता है नॉर्थ वेस्ट तो वेस्ट क्या होगा? देखो साउथ से जब हम नॉर्थ वेस्ट जाएंगे ये क्या होता है हमारा? ये क्या होता है हमारा? देखो 135 डिग्रीज होता है। तो उसी तरह क्लॉकवाइज में ये क्या होता है? 135 डिग्रीज होता है। तो वेस्ट के 135 डिग्री क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट होगा। तो इसका आंसर नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडिकल मॉडरेट तो रिवॉल्यूशन का क्या होगा? देखो ये इसका क्या होता है? एंटोनिम होता है, यानी विपरीत शब्द होता है। तो रिवॉल्यूशन का एंटोनिम क्या होगा? पीस होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हांगकांग चाइना तो वेटिकन क्या होगा? देखो ये हांगकांग क्या होता है? चाइना का एक सिटी होता है। उसी तरह वेटिकन सिटी जो कि हमारा स्मॉलेस्ट सिटी होता है, तो वो कौन सी कंट्री में पाया जाता है? रोम की कंट्री के पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। स्टील का रेल्स तो आलनी को क्या होगा? देखो स्टील जो है इसका जो अलॉय है यूज करा जाता है कहाँ पर? रेल्स पर। तो आलनिको का क्या अलॉय कहाँ पर यूज करा जाता है? सिल्वर वेयर पर यूज करा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इसका पार्ट टू चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।